हेलो स्टूडेंट्स आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एस के बारे में पढ़ेंगे एस का यूज़ हमने डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया है तो इसका यूज़ हमने क्यों किया एस uh, का यूज़ करके हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ये सारी हम इंफॉर्मेशन एस के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले ये हिस्ट्री कुछ दी है इसमें 1970 में डॉक्टर एजर एफ़ ट्रेड कोड ऑफ आई बी एम इज़ नोन एज द फ़ादर ऑफ़ रिलेशनल डेटा बेस ही डिस्क्राइब रिलेशनल मॉडल फॉर डेटा मतलब यहाँ पर आई बी एम ने जब इसको डेवलप किया था तो रिलेशनल डेटा बेस मॉडल के लिए ही इसको डेवलप किया था और रिलेशनल डेटा बेस मॉडल में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम रिलेशनस बनाते हैं मतलब टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसमें जो डेटा आता है हम उस पर वर्क करते हैं जो टेबल्स होती है वो पूरी एक डेटा बेस के अंदर स्टोर होती है <laughs> ये मैं आपको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में बता चुके हूँ What is SQL? The SQL programming language was first developed in the nineteen seventy by IBM. Researchers Ramon Boise and Donald uh, Chamberlin. the प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सिक्यूएल पहले एस क्यू एल का नाम सीक्वल था इसको क्रिएट किया गया था और यह पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती थी आफ्टर दैट इसका नाम एस क्यू एल पड़ा एस क्यू एल इज़ अ लैंग्वेज टू ऑपरेट डेटा बेस यहाँ पर वो डेटा बेस को ऑपरेट करती है डेटा बेस को क्रिएट करना डाटा बेस को डिलीट करना डेटा बेस में डेटा uh, को एक्सेस करना डेटा का मॉडिफाई करना ये सारे काम हमारे एस क्यू एल के अंदर होते हैं एस क्यू एल इज एन आंसर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बट देआर मेनी डिफरेंट वर्जनस ऑफ एस क्यू लैंग्वेज एस को हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं जो कि डेटा को स्टोर करना मैनुपलेट करना और रिले रिट्राइव uh, करने का भी काम करता है एस क्यू एल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑल द रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक माई एस क्यू एल एम एस एस क्यू एल ओरकल साइबेस इन्फोमिक्स पोस्ट ग्रेस एंड एस क्यू एल सर्वर यूजेज एस क्यू एल एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं कि हमको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए तो यहाँ पर भी बहुत सारे डेटा बेस एप्लीकेशन है जैसे कि माई एस क्यू एल एम एस एक्सेस ऑरेकल एक्सेट्रा uh, तो हमें सबसे पहले एसक्यूएल ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसके बारे में हमें पता होता है तो हम ये सारी चीजें इजिली कर सकते हैं ऑल्सो दे आर यूजिंग डिफरेंट डायलैक्ट सच इज एमएस एसक्यूएल सर्वर यूजिंग टी एस क्यूएल ऑरेकल यूजिंग पी एल एस क्यूएल एमएसएक्स वर्जन ऑफ एसक्यूएल इज कॉल्ड जेट एस क्यूएल वाई एसक्यू एल नीडेड SQL is widely popular because it offers the following advantages. First advantage is allow user to access data in relational database management system. Allow user to describe the data. Allow users to define the data in database and manipulate that data. Allows to embed within other language using SQL module libraries and pre-compiler language. Allows user to create and drop database and tables. Allow user to create views, stored pro procedures, functions in the uh, uh, database. अलाउ यूज़र्स टू सेट परमिशन ऑन टेबल प्रोसीजर्स एंड व्यूज़ यहाँ पर एस क्यू एल ये हमको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डेटा बेस को बनाना डेटा बेस के अंदर जितनी भी हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं या टेबल्स को ड्रॉप करना या टेबल्स के अंदर से हम डेटा को रिट्राइव करते हैं डेटा को मैनुपलेट करते हैं या हम उस टेबल के अंदर परमिशन उसको अलाउ कर रहे हैं कुछ स्टोर प्रोसीजर्स हम उसका यूज़ कर रहे हैं ये सारी हमको फंक्शनालिटी एस क्यू एल प्रोवाइड करता है एस प्रोसेस होती क्या है वैन यू आर एग्जीक्यूटिंग एन एक्सक्यू कमांड फॉर एनी आर डी बी एम एस द सिस्टम डिटरमाइंस द बेस्ट वे टू कैरी आउट योर रिक्वेस्ट एंड एस इंजन फिगर आउट हाउ टू इंटरप्रेट द आस्क मतलब जब भी हम एस क्यू एल में कोई कमांड चलाएंगे उस कमांड को हम अगर हमने कोई इंसर्ट कमांड चलाई है तो हम उसको क्यूरी बोलते हैं तो एस क्यू एल इंजिन उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का काम करता है उसको इंटरप्रेट करता है देन हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है दे आर आर वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग इन दिस प्रोसेस दीज कम्पोनेंट्स आर क्यूरी डिस्पेचर ऑप्टिमाइजेशन इंजन्स, क्लासिक क्यूरी इंजन्स, एसक्यूएल क्यूरी इंजन्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं अ क्लास क्यूरी इंजन हैंडल्स ऑल द नॉन एसक्यूएल क्यूरीज बट एसक्यूएल क्यूरी इंजन वॉन्ट हैंडल लॉजिकल फाइल्स यह हमने डायग्राम के द्वारा बताया है किस तरह से वह करता है एसक्यूएल क्यूरी मतलब जो भी हम कमांड्स लिखते हैं वो एसक्यूएल क्यूरी में जाती है देन क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर उस क्यूरी को लेता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम Osionfish. के इंजन को प्रोवाइड कर देता है और अगर उस डेटा में हमको कोई फाइल को सेव करना है तो वो फिजिकल डेटा बेस में जाके सेव हो जाता है यहाँ से अगर हमको फाइल मैनेजर्स की हम बात करते हैं या ट्रांजेक्शन मैनेजर की बात करते हैं तो दोनों फाइलें हम इन दोनों से फैच कर सकते हैं क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है जो क्यूरी हम उसको देते हैं या जो क्यूरी हम उसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर बहुत सारी एसक्यूल कमांड्स होती हैं द स्टैंडर्ड एस्क्यूल कमांड टू इंट्रैक्ट विद रिलेशनल डेटा बेस आर क्रिएट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड ड्रॉप एसक्यू एल प्रोवाइड्स स्टेटमेंट्स फॉर वे वेराइटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग क्यूरी डेटा इंसर्टिंग डेटा अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रोज इन टेबल क्रिएटिंग रिप्लेसिंग अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स कंट्रोलिंगिंग एक्सेस टू द डेटा बेस एंड एड्स ऑब्जेक्ट्स एंड गारंटिंग डेटा बेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेटाबेस की तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ा है कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे डेटाबेस को क्रिएट करता है मैनुपलेट करता है डिलीट कर सकता है हैंडल करता है तो जब हम डेटाबेस मॉडल में हमने देखा था कि बहुत सारी तरह के मॉडल होते हैं जिसमें रिलेशनल मॉडल भी होता है तो यहाँ पर एस क्यू इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसमें डेटाबेस बना रहे हैं हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं टेबल्स के अंदर हम डेटा को डालने का काम कर रहे हैं ये पूरा डेटा हैंडल करने का काम करता है तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चरड क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि पूरे डेटा को बनाने का काम करती है पूरे टेबल कॉल्स को क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट करने का काम करती है फिर जो भी कस्टमर की क्यूरी होती है वो उस क्यूरी से वहाँ पर डेटा को फैच कर सकता है अब हम टाइप्स ऑफ एस कमांड्स देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी लैंग्वेज होती है खुद की ऑन लैंग्वेज होती है एस कमांड की जैसे फर्स्ट है डी जिसके अंदर चार तरह की कमांड आ रही है क्रिएट ड्रॉप अल्टर ट्रंकेट फिर डी होता है डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज इसके अंदर तीन कमांड्स हैं इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डी सी एल डेटा कमांड, दे, कमांड लैंग्वेज होती है जिसमें ग्रांट एंड रिवोक है डी सी एल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है जिसमें कमिट रोलवेक एंड सेव पॉइंट है और डी क्यू एल मतलब कि डेटा क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसमें हमारी एक कमांड है सेलेक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल लाइक क्रिएटिंग अ टेबल डिलीटिंग अ टेबल टेबल मतलब हम यहाँ पर पूरी तरह से टेबल को डिफाइन कर रहे हैं जब हम टेबल पूरा बना लेते हैं यानी कि हम एक पूरा स्ट्रक्चर उसका डिफाइन कर देते हैं तभी हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर टेबल को बनाने का काम करता है डी जिसके अंदर अलग अलग कमांड्स है जैसे क्रिएट टेबल अल्टर टेबल ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल क्रिएट टेबल का मतलब होता है आप जब नई टेबल बनाते हैं जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट की टेबल बनानी है तो स्टूडेंट की टेबल के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा नेम होगा उसका कोर्स होगा उसका एड्रेस होगा मोबाइल नंबर होगा मतलब रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा टेबल को ड्रॉप कर देता है उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड भी अगर हमने मेंटेन कर रखा है तो वो भी एक साथ ड्रॉप हो जाता है अल्टर कमांड का यूज होता है जब हम टेबल को क्रिएट कर देते हैं और अगर हमको उसमें कुछ भी मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट के अंदर हमने रोल नंबर लिखा और नेम लिखा हमने टेबल क्रिएट कर दी जब टेबल क्रिएट कर दी डेटा भी इंसर्ट कर दिया अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर नेम के साथ साथ एक कोर्स भी उसके अंदर कॉलम आना चाहिए तो हमने क्या करा उसको अल्टर करके ऐड कर दिया कि वो जो भी हम कोर्स नाम का कॉलम चाहते हैं वो हमने उसको ऐड कर दिया तो यहाँ पर हमने क्या करा अल्टर करा अगर हम यहाँ पर कुछ उसका डेटा टाइप भी चेंज करना चाहते हैं तो अल्टर कमांड से हम मॉडिफाई करके डेटा का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं यानी कि अगर हमने रोल नंबर इंटीज़र की तरह कैरेक्टर ले लिया था तो हम अल्टर की तरह अल्टर का यूज़ करके उस स्टूडेंट रोल नंबर को हम इंटीज़र ले सकते हैं ताकि हम न्यूमेरिक वैल्यू को सेव कर सकें तो अल्टर कमांड का मतलब होता है ऐड करना या मॉडिफाई करना ट्रंकेट कमांड इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल रोज फ्राम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल यहाँ पर वो पूरी की पूरी रो जो हमने इंसर्ट करना है वो पूरी की पूरी रो को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रंकेट कमांड का हम यूज़ करते हैं सेकेंड हमारे पास में आता है डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज अब डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज मतलब हम यहाँ पर डेटा के ऊपर काम करें पहले हमने टेबल बनाने का काम किया था अब हम टेबल के अंदर जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं हम उस पर वर्क करेंगे डी एम एल कमांड आर यूज टू मोडिफाई द डेटा बेस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन डेटा बेस the commands of dml is not auto committed that means it can permanent it can't permanently save all the changes in the database they can be roll back matlab ki hum permanently usko save nahi kar rahe hum usme changes apply kar sakte hain yahan par dml ke andar teen commands hoti hain insert update and delete insert का मतलब होता है कोई भी नई row या नया data हम उसके अंदर table के अंदर insert कर रहे हैं तो हम insert command का use करेंगे अपडेट कमांड का मतलब जो हमने टे, टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया था उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटा को तो हम अपडेट कमांड से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डिलीट कमांड से हम कोई भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल कैसे डिलीट करते हैं कैसे अपडेट करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है डेटा की परमिशन को कंट्रोल करना मतलब कि हम ही उनको एक ऑथोरिटी प्रोवाइड कर देते डेटा बेस के अंदर कि कौन उसके डेटा को यूज़ कर सकता है डी सी एल कमांड्स आर यूज टू ग्रांट एंड टेक बेक ऑथोरिटी From any database user. Here are some commands that uh, come under DCL. Grant and revoke. Grant का मतलब होता है कि हम user को granted कर रहे हैं कि वो उसके डेटा को use कर सकता है या access कर सकता है रिवोक का मतलब होता है इट इज़ used टू टेक back परमिशन from द यूजर रिवोक में अगर उसको यूजर के द्वारा परमिशन मिल गई है तो वो उसको यूज़ कर सकता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं सिर्फ ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्री सी एल कमांड कैन ओनली यूज विथ डी एम एल कमांड लाइक इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ओनली दीज ऑपरेशन आर ऑटोमेटिकली कमिटेड इन द डेटा बेस दैट्स वाई दे कैन नॉट बी यूज बाइल क्रिएटिंग टेबल और ड्रॉपिंग टेबल यहाँ पर टेबल को ड्रॉप करना टेबल को क्रिएट करने का काम नहीं होता है यहाँ पर ये इंसर्ट अपडेट डिलीट की तरह ही वर्क करता है जैसे रोल वे है रो सॉरी रोल वे है कमिट है सेव पॉइंट है ये इसके कमांड्स होते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन अगर हम उसके अंदर करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन वर्क करता है इंसर्ट अपडेट या डिलीट कमांड पर ही जैसे फर्स्ट हम कमिट कमांड देखते हैं कमिट कमांड इज़ यूज टू सेव ऑल ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस जैसे आपने अपने अकाउंट से कोई मनी को इंसर्ट uh, किया या डिलीट किया तो ये क्या करेगा उस कमिट कमांड में सारे ट्रांजेक्शन को वहीं की वहीं सेव कर देगा कि अब आपका ये जैसे मैंने अगर मेरे अकाउंट में थाउजेंड रुपीज़ थी फाइव हंड्रेड मैंने डिडक्ट कर दिया तो फाइव हंड्रेड उसमें सेव हो जाएंगे रोलवे कमांड का यूज करते हैं इट इज़ यूज टू अंडू ट्रांजेक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटा बेस मतलब ये सेव नहीं होता है रोलवे का कमांड कैसे होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई टिकट बुक करी और आपका पैसा या ट्रांजेक्शन बीच में फंस गया तो ये बोला जाता है कि एक दो दिन में आपका जो भी अमाउंट है वो वापस आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो वापस से अंडू करा उसे ट्रांजेक्शन और उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ गया तो ये ट्रांजेक्शन कब परफॉर्म होगा जब हम रोल बेक कमांड का यूज करेंगे सेव पॉइंट इट इज़ यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू द सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन सेव पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहीं की वहीं रोक दिया जैसे रोल बैक था कि 500 उसने डिडक्ट किया तो सेव पॉइंट ने उस 500 पे जाकर उसको रोक दिया देन वापस से जब रोल बेक होगा तो सेव पॉइंट में जितना था उससे आगे का ही ट्रांजेक्शन वो उसको अलाउ करेगा मतलब वहाँ तक रुका हुआ उसका सेव है और आगे का अब जब वो होता जाएगा तो वो सेव पॉइंट में आता जाएगा इसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट नेक्स्ट कमांड होती है हमारी डेटा क्यूरी लैंग्वेज डेटा क्यूरी लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम डेटा को फेज करके यूजर को शो करवाते हैं डेटा तो वहाँ पर हम डेटा क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन था कि स्टूडेंट नाम के टेबल से मुझे सारा डेटा शो होना चाहिए कि जितना भी स्टूडेंट टेबल में है वो सारा डेटा शो हो जाए मान लीजिए फाइव स्टूडेंट है तो फाइव स्टूडेंट का नेम रोल नंबर उसका कोर्स उसका मोबाइल नंबर एड्रेस ये अगर हमने सेव कर रखा है तो ये सारा डेटा हमारे सामने शो हो जाए या मैंने कोई क्यूरी चलाई कि मुझे पर्टिकुलर कंडीशन पे 101 रोल नंबर अगर मैंने दिया है तो 101 रोल नंबर का डेटा मुझे फेच हो जाए तो डेटा को एक्सेस करना डेटा को फेच करना ही हम डी में यूज़ करते हैं इसको हम डेटा क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही कमांड आती है सेलेक्ट कमांड और इस सेलेक्ट कमांड के साथ में हम बहुत सारी कंडीशन सा अप्लाई करके हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो हम देख सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा